हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और भाई देख लो, काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे भाई RR 310 से करो, RR 310 से करो। तो देखो आ गई RR 310 आपकी, और बगल में खड़ी है आपकी गुरिल्ला 450। तो प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, गुरिल्ला भी 320 के आसपास आ जाती है टॉप मॉडल, RR 310 भी आपकी 340 के आसपास आ जाती है। तो 15-20 हज़ार का डिफरेंस है, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। EMI में लोगे तो पता भी नहीं चलेगा, उतने की तो आप लोग समोसे खा लेते होगे। बाकी पावर फिगर में क्या डिफरेंस है और इंजन में क्या डिफरेंस है इसकी बात कर लेते हैं। तो आपकी जो RR 310 है, इसमें आपका आता 310cc का इंजन, जो कि आपका लिक्विड कूल्ड है, DHC है और 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है। गुरिल्ला में आता है 450cc का इंजन, तो काफ़ी बड़ा इंजन है RR 310 से अगर कंपेयर करते हो, और वो भी आपका 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ और लिक्विड कूल्ड इंजन है DHC। पावर फिगर में भी सेम डिफरेंस है भाई, बड़ा इंजन है गुरिल्ला में, तो 40 PS की पावर दे रही है। RR 310 आपकी 34-35 PS की पावर देती है, तो 5 PS मिनिमम तो डिफरेंस है ही। गुरिल्ला का जो टॉर्क है वो भी 40 PS है, 40 Nm है, वहीं पे जो RR 310 है इसका जो टॉर्क है वो भी कम है आपका 27.3 Nm के आसपास है। ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे RR 310 जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है फुल फेडिंग और एक ज़बरदस्त एरोडायनेमिक्स का सपोर्ट, तो ये इसको कहीं ना कहीं टॉप एंड में हेल्प करने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं दोनों में कंपेयर करके। और RR 310 प्रॉपर आपकी रेसिंग मशीन है, गुरिल्ला आपकी है वो थोड़ी सी रोस्टर टाइप की है, तो रेसिंग के लिए नहीं बनी है, बट पावर इतनी है कि भाई करने में तो मज़ा आ रही है तो कर रहे हैं। इसके अलावा RR 310 थोड़ी हल्की भी है, टायर भी उसके ज़्यादा ग्रिपी हैं, पतले टायर हैं, तो वो भी टॉप एंड में हेल्प करेंगे। गुरिल्ला के आपके चौड़े टायर हैं, तो कर लेते हैं भाई, थक गया सुबह से शूट करते करते। गुरिल्ला आगे निकल गई है इनिशियल में, RR 310 को इनिशियल में गुरिल्ला पीछे छोड़ चुकी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओए होए, भाई गुरिल्ला आगे निकल गई, फिफ्थ गियर भाई, स्पोर्ट्स बाइक RR 310 प्रॉपर रेसिंग DNA, और उसको रॉयल एनफील्ड की एक बाइक ने इनिशियल में छोड़ दिया पीछे, बट यहाँ टॉप इन में निकल रही है RR 310। पीछे पीछे देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट, क्या गुरिल्ला टॉप इन में हरा पाएगी RR 310 को, इसका नहीं पता अभी। लगा तो हुआ पीछे पीछे, RR 310 आगे आगे जा रही है, 64 चलिए। देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, पर बहुत धीरे धीरे, और वो भी मुझे लगता है स्लिप स्ट्रीमिंग की वजह से। एकदम पीछे ही थे गोरिल्ला, तो भाई ये था मामला।
तो ये थी फर्स्ट रेस। इनिशियल में आपकी गोरिल्ला आगे निकल गई, निकल गई भाई। है ना? हाँ, हमें लगता है एकदम पीछे ही रहोगे आप। हाँ बिल्कुल पीछे पीछे। कितनी गई थी गोरिल्ला? 162, 163, 167, 168 चल रही थी। अगर रेस आधा एक किलोमीटर और होती ना, हाँ। तो स्लिप स्ट्रीमिंग करके हो सकता है आगे निकल जाती थोड़ी देर के लिए। तो भाई अब चलाने जा रहे हैं हम आर आर 310। देखो टॉर की कभी मम्मी कभी पता चल रही है। गोरिल्ला निकल गई आगे। गोरिल्ला भाई मैं लेके निकल गया हूँ आगे। तीसरा गियर मैंने डाल दिया है। फ्लेक्चुएट हो रहा होगा तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पांचवे गियर में आ गया हूँ मैं। मिड तक खींची है। छठे गियर में आ गया हूँ मैं। और ये छठे गियर में जाके गोरिल्ला इसको बीट कर दिया है। गोरिल्ला को बीट कर दी छठे गियर में जाके बीट किया गोरिल्ला को। फिफ्थ गियर देखो सिक्स गियर में जाके निकली है। जाके बीट किया गोरिल्ला भाई पांचवे गियर तक आगे थी। तो ये है भाई। देखो थोड़ा बंदा इधर आ गया, हमने धीरे कर लिया। मुझे लगता है पीछे कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। 165, 166, स्टिल टॉप इन बैटल में आपकी आरआर 310 जो थी वो आगे निकल गई थी। तो ये थी ड्रैग। और वही 166, 167 है ना? तो वो स्लिप स्ट्रीमिंग करके ही निकलती। हाँ, मैंने भी छठे गियर में आगे निकला हूँ। पांचवे गियर में बराबरी पे आ गया था मैं। मैं देखो बड़ा इंजन है, पावर साफ ज्यादा है। बट वही है कि फेयरिंग है तो इसलिए टॉप एंड में निकल जाती है। अगर वही नेकेड होती तो नेकेड है तो BMW नहीं निकल पाती। कहाँ पता ही नहीं चलती कहाँ गई। तो ये थी ड्रैग रेस। और आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको। और भाई इनिशियल की विनर और मिड तक विनर आपकी गोरिल्ला है। टॉप एंड में एकदम लास्ट में जाके निकलती है आपकी आर आर 310। तो भाई मज़ा आई मुझे तो, काफ़ी अच्छा चलाने में लगा। और आप लोग मुझे बताइएगा आपको कि ये व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइट हार्ट राइट सेफ। दिस इज राम सुल्टर साइनिंग ऑफ। कीपिंग ऑसम।